प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर मोर ऑफ माई सच वीडियोज एंड देर आर मेनी अदर वीडियोज जिसमें कि मैंने काफी ज्यादा लर्निंग की चीजें डाली हैं ठीक है आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दैट दैट वीडियोज एज वेल एंड उन वीडियोज को देखने के बाद आई एम श्योर की आपकी जो साइकोलॉजी है उसमें काफी फर्क आने वाला है ठीक है सो बिफोर वी गो एट हम प्रेजेंट मार्केट इंडेक्स जो चल रहा है प्रेजेंट मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ठीक है फर्स्ट वी विल गो टू द वीकली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन से ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस दे गया है एंड रेजिस्टेंस जो था उसको ब्रेकआउट दे गया है एंड जो ये वाली हमारी अपवर्ड uh, की सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ सस्टेन करता रहेगा एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि uh,

Okay, so as of now, I am expecting that Bank Nifty may touch 53,000 easily, and Nifty may touch

डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम में एट द टॉप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है बट नीचे एक बाइंग सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है इस मार्केट के अंदर अः uh, इस दिन सेंटीमेंट देखने को मिला था एंड एज ऑफ नो मार्केट ऑलरेडी अपना अपवर्ड मोमेंटम जर्नी दिखा रहा है एंड uh, इसने डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो था उसको ब्रेकआउट दिया था ब्रेकआउट देने के बाद इट हेज स्टार्टेड कंटिन्यू मूविंग अपवर्ड्स एंड टिल द टाइम ये वाली जो लाइन है इसको ब्रेकआउट नहीं ब्रेक डाउन नहीं दे रहे तब तक बैंक निफ्टी इज पॉजिटिव जैसा कि मैंने कहा बैंक निफ्टी आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट बाई फिफ्टी थ्री थाउजेंड एंड इट शुड नॉट ब्रेक डाउन विथ दिस बॉटम ट्रेंडलाइन ठीक है सो so, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं सो एनी डे इफ यू सी अलोजिंग बिलो ऑन ऑन डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग बिलो दिस बिलो दिसाला जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आता है दैट कैन बी योर एसेल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वॉन्ट टू एंटर इन दिस रैली यू कैन डू बायस एंड यू कैन कंटिन्यू टारगेट फिफ्टी थ्री थाउजेंड इजी एंड योर एस एल वुड बी ट्रेंड लाइन के नीचे एनी डे क्लोजिंग वुड बी योर एस एल रिम्बर दिस थिंग ठीक है सो दैट इज द थिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम मार्केट इज शोइंग अ गुड मूवमेंटम मार्केट ने जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बनाया था उसका ब्रेकआउट दे दिया नाउ इट इज गोइंग इन टू अ हाईर हाई एंड हाईर लो फॉर्मेशन ठीक है नाउ लेट सी निफ्टी वॉट निफ्टी इज डूइंग

नेक्स्ट एक्सपायरी ठीक है सो so, हमेशा फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट एक्सपायरी होता है एंड रोल ओवर जो होते हैं या फिर मार्केट में सेलिंग आ सकती है सो एज वी कुड सी कीट द लोअर लेवल्स इन निफ्टी ऑन वीकली टाइम फ्रेम सो आई एम एक्सपेक्टिंग की इसमें भी एंड ये निफ्टी ऑलरेडी अपने अपवर्ड मोमेंटम uh, जो था उसको ब्रेक आउट करके एडिशनल लेग स्ट्रेच कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाकर इसने वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दिया है सो इट इज अ वेरी गुड मोमेंटम ऑफ निफ्टी एज ऑफ नाउ डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं जाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पर भी इसने एक आ, 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 बियअरिश कैंडल स्टिक है आई वुड नॉट से इट एज अ बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बिकॉज यहाँ पर क्या है सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस की वजह से यू शुड नॉट डिस बियरिश कैंडल बुलेश कैंडल इट इज is अव सेंटीमेंट अपार्ट फ्राम देर इज अंग ऑन डिप्स important thing so as of now if you if somebody ask me it is a bullish candle it will become a bearish candle only if agar ek follow up candle, iske yahan par ek bearish candlestick pattern ban jaye then only it will become a bearish candlestick pattern ठीक कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो बियरिश बन जाएगा अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाए बिकॉज़ दिस विल बी अ हैंगिंग मैन स्टिक पैटर्न ठीक है टिल द टाइम इसका ऊपर का क्रॉस नहीं कर रहा तो ऊपर भाग जाएगा अगर इसके नीचे यहाँ पर एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया तो लोग इसके ऊपर का एसएल लगा के मार्केट को सेल करते रहेंगे कंटिन्यूअसली

स्टेस इन इन बोथ दी टॉक अबाउटली टाइम फ्रेमली टाइम फ्रेम गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली बर्स ठीक है इस महीने में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई थी अगर आपको लाइनों की वजह से नहीं दिख रहा है तो एल जूमेट ना यूज बहुत ह्यूज बाइंग आई थी फोर्थ जून को which, जो कि मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा था उसके बाद ह्यूज बुलिश कैंडल दिस वाज़ द जुलाई मंथ एंड देन अभी ये आ गया हमारा अगस्त मंथ सो अगस्त मंथ पे भी व्हाट इज है अगस्त मंथ पे भी आपकी काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया था बट प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद भी नीचे से काफी ज्यादा बाइंग ऑन डिप्स हो चुका है सो मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट इज क्वाइट पॉजिटिव एज ऑफ नाउ एंड

मैंने ये दिखाया आपको दिस थिंग है, है. इस के को पकड़ पाना ना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू थिंक मार्केट नीचे गेर वॉज अ टाइम जब uh, विक्स जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था देर वॉज अ टाइम जब विक्स में नियरली अबाउट फोर्टी सिक्सटी परसेंट का एक दिन के अंदर राइज आया था दैट वॉज द डे जब रिसेशन की न्यूज आई थी कि भैया रिसेशन होने वाला है इसराइल एंड ईरान का वॉर आने वाला है सो दो इशूज जिसकी वजह से विक्स रिजन सिक्सटी परसेंट एंड निफ्टी जो है बारह पॉइंट गिर गया था पच्चीस से पच्चीस हजार से इट गॉन डायरेक्टली टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्सटी या सेवेंटी के आसपास एंड बैंक निफ्टी भी आपका दो तीन हजार पॉइंट गिर गया था ठीक है, सो so, अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी इस एरिया में जब ये आया था मार्केट नीचे की तरफ इट वाज अ गुड फॉल बट फिर उसके बाद रिसेशन हैव देन उसके बाद मार्केट ने दोबारा से रिकवरी दिखाया एंड देन मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आया सो दिस वॉज द टाइम इस टाइम पर बिकॉज विक्स एट गॉन सिक्सटी अप सो काफी ज्यादा लोगों के ऐसे लेट हुए अगेन इट हैज फॉलन बैक So, काफी ज्यादा लोगों के एसएल जो है इस मंथ में काफी ज्यादा हिट हुए ठीक है एंड थी। जाहिर सी बात है अगर सबके हिट हुए तो जाहिर सी बात है मेरे भी हिट हुए होंगे सो देर आर मेनी थिंग्स की काफी दिन ऐसा हुआ जिस दिन मैं मार्जिनली uh, या मतलब बहुत ही छोटे मार्जिन से मैं पॉजिटिव होके बचाऊ अदरवाइज इस महीने भी कहीं ना कहीं मेरा एसेल हिट हो जाता ठीक है सो दिस इज द थिंग सो जस्ट लाइक जुलाई uh, मंथ जिसमें कि प्रॉपरली डोजी कैंडल ऊपर नीचे दोनों साइड जस्ट लाइक जून मंथ जो की ह्यूज नेगेटिव एंड ह्यूज पॉजिटिव हैपन सो उसकी वजह से मार्केट में बहुत ऊपर नीचे होने की वजह से मेरा जून मंथ में भी दो तीन एस कटे थे देन जुलाई में भी मेरे एक दो एस बने थे सो so, अगस्त में भी चांसेस वर बिल्डिंग की एस बनने वाला बट फॉर्चुनेटली आई सर्वाइव ठीक है एंड दैट इज हाउ इट सेम थिंग इन निफ्टी ऑल्सो निफ्टी में भी आप देखिए इवन दो इट वॉज अ बुलिश कैंडल बट देर वॉज अः डाउन मोमेंटम यानी कि मार्केट हैड फॉलन एंड देन उसके बाद इट ठीक है सो ये जो ट्रैप होता है ना ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है एट वन गो यू थिंक कि भैया मार्केट नीचे जा रहा है एट वन गो देन यू थिंक कि मार्केट ऊपर जाने लग गया सो विद प्रॉपर लर्निंग ऑफ योर प्रॉपर लर्निंग ऑफ स्टॉक मार्केट एंड देन योर फंडामेंटल्स

कि ये भैया दिस इज नॉट अ फेक आई डी ठीक है सो विल गो टू रिपोर्ट इन फ्यूचर एंड दिस इज अगस्त व्हाट आई है प्रॉफिट ऑफ नियरली अब दैट इज इट एंड अगर मैं जुलाई की बात करूं तो जुलाई में मेरा एक uh, एक दिन का जो था वो लॉस था ठीक है सो माय जुलाई फी एन एल अगर दो महीने का करेंगे तो दो महीने में दिस मच आई हैव मेड एंड जुलाई में मेरा जो था आई हैड मेड लेस बिकॉज मेरे दो दिन एसेल हिट हो गए थे बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा बरसर जा रहा था सो दैट इज द रीजन एंड अगस्त में आई सर्वाइव्ड एक दो दिन हुआ जिस दिन मेरा एस कटा बट फॉर्चुनेटली आई आई सर्वाइव दिस थिंग ठीक है सो दिस वॉज इन माई दिस अकाउंट नाउ आई डू टू ट्रेडिंग इन टू अकाउंट सो आई जस्ट शो यू इन माई अदर अकाउंट ऑल्सो सो दिस इज माई सेकंड अकाउंट

now let's go to the verified pnl i will take you to a verified pnl this is my account okay this is my account we'll go to my account we'll go here we will go to verified pnl this is my verified pnl i will just copy it and i will just paste it and let's see so this is my verified pnl account as you see that uh, in the month of august i have made a profit of nearly about three lakh eighty thousand and in july i have made a profit of two lakh sixty nine thousand so we'll talk about august only three lakh eighty thousand and in my other account same thing verified pnl and let's go to my uh this is my channel this is my trading Ch secrets channel if you guys have not joined it i would request you to please join it in this i give माय डेली वेरीफाइड पीएनएल जो कि ऑन डेली बेसिस अपडेट होता है एंड फ्रॉम पास टाइम कुछ दिनों से आई एम सींगट पीपल आर इवन दो आई प्रोबेबली वेरी फ्यू ऑफ पीपल जिन्होंने अपना डेली बेसिस के ऊपर वेरीफाइड पी अपडेट करके छोड़ा हुआ बट फिर भी लोग कहते हैं कि फेक है फेक है सो दैट आई है डेली अपडेट जो है उसको बंद कर दूंगा नाउ आई विल बी डूइंग ओनली द मंथली अपडेट सो इफ यू वॉन्ट टू चेक माई वेरीफाइड पी एन एल प्लीज कम बैक आफ्टर

This 3,80,000 is uh is more than 2.6, 2.7% of my capital. This is the amount of profit that I have done in this month. So uh 2.8, 2.7 maybe. So this is the amount of profit, and exactly. सेम लाइक इन दिस अकाउंट ऑल्सो इसमें मेरा ऑलमोस्ट uh, अगर आप देखें तो इसमें मेरा 2.9 या ऑलमोस्ट 3 परसेंट के आसपास का इसमें भी हो गया होगा 2.8 से 2.3 परसेंट के आसपास का इसमें प्रॉफिट बना है सो so, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि मेरा जो पर्सनल टारगेट रहता है वो जो पर्सनल टारगेट uh, है दैट इज नियरली अबाउट थ्री टू फोर एंड आई डू नोट टारगेट मोर देन दैट डाउन साइड पे थ्री परसेंट एंड कभी कभी मार्केट जैसे कि जुलाई में जून में अगस्त में चल रहा था तो उस टाइम पर कई बार थ्री परसेंट जो मिनिमम है वो भी नहीं आता है ठीक है कई बार दो परसेंट भी आ जाता है सो इवन आई एम द अकाउंट सेपरेटली नॉट दोनों का मिलाकर ठीक है तो दिस इज द थिंग सो दिस इज हाउ आई एंड न थिंग दैट आई है काफी लोग आते हैं मेरे पास वो कहते हैं कि सर हमें सीखना है बट आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिससे हम चार या पांच परसेंट पर मंथ कमा सकते हैं ठीक है ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं ये प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा चार पांच परसेंट पर मंथ कमाना चाहते हैं यू आर ट्राइंग टू मेक फोर्टी एट टू सिक्सटी परसेंट पर एन एम पर एन एम यानी कि एवरी वन पॉइंट फाइव ईयरस पे आपका कैपिटल वुड बी डबल विद वॉट विद एफ एन दिस इज वॉट पीपल आर टारगेटिंग जैसे कि मैं अपने काफी वीडियोस में बताया हूँ कि स्टॉक मार्केट आपको अगर नहीं पता कि स्टॉक मार्केट से कितना लेना है तो स्टॉक मार्केट आपका सब कुछ ले सकता है दैट इज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट दैट यू बी रेस्ट अशोर ठीक है सो इसलिए फाइनलाइज योर टारगेट फर्स्ट पहले आप पहले टारगेट सोचोगे भैया आपको चाहिए कितना वॉरन बुफे हिमसेल्फ कुड नॉट मेक ट्वेंटी फोर परसेंट पर एनम फॉर कंटिन्यूअस फोर्टी ईयर्स एंड काफी लोग आते हैं कि सर आपसे सीख लेंगे लेकिन हमें ना ये चाहिए ये अरे आप वॉर एक मतलब सीखते के साथ ही आप बुफे को बीट कर दोगे इतना कॉन्फिडेंस सो so, मजाक मत करिए समझिए चीजों को स्टॉक मार्केट आपका सब कुछ ले लेगा एंड अगर आपका ये टारगेट है तो भैया प्लीज हाथ जोड़ के विनती है दिस इज अर रियलिस्टिक टारगेट ठीक है फोर टू फाइव परसेंट पर मंथ इज अ अली अनरियलिस्टिक टारगेट टिल द टाइम यू डू नॉट स्पेंड नियरली अबाउट फाइव टू एट ईयर इन द स्टॉक मार्केट पांच आठ साल स्पेंड कर लो देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट इट लेकिन आप आ रहे हो पचास हजार रुपए लेके कॉल बाय करनी है और खरीदना है ये तो ये तो भैया फिर सपने ही दिखा सकते हैं ऐसे काफी सारे यूट्यूबर्स है जो सपने दिखाते हैं सो so अगर वो कर पाए तो कर सकते हैं बट आई नॉट बी एबल टू डू दिस ठीक है एंड दिस इज अ रियालिटी नो वन कैन डू इट ठीक है सो यू हैव टू स्पेंड समाइम लर्न प्रोपरली गिव योर टाइम इन्वेस्ट सम लर्निंग इन टू योर सेल्फ ठीक है एंड Then only you will be able to achieve. Start with slow. दो से स्टार्ट करिए per से तीन परसेंट से स्टार्ट करिए इवेंचुअली आफ्टर नियरली अबाउट फाइव टू एट ईयर्स यू विल एबल टू अचीव इट मैं एफ एन ओ में खुद यहाँ नहीं पाया. Yes, I accept कि मैंने दिसंबर जनवरी और February, February के महीने में मैंने अच्छा खासा कमाया है मेरा चार पांच परसेंट से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है I accept it. ठीक है सिक्स सेवन तक गया है So that is okay. But you should understand कि इतना easy नहीं है आते के साथ ही मार्केट में चार पांच चार से पांच परसेंट का एंटिसिपेशन लेकर आना सो इट इज अ डिवास्टेटिंग स्टेप ठीक है यू विल बर्न आउट योर कैपिटल विद इन नो टाइम जस्ट टू जस्ट टू ट्राई टू गेट फोर टू फाइव परसेंट पर एनएम एंड ये तो फिर भी ठीक है पहले तो कई लोग कहते थे कि सर टेन परसेंट पर मंथ कमा लेता हूँ दिस इज पर मंथ सो टेन परसेंट पर मंथ यानी 120 कि एक सौ बीस परसेंट पर एन एम एंड सेव विद कन्विक्शन की इतना करा दो तभी मैं खुश हूं तो भैया फिर ये खुशी आपको जीवन में कभी नहीं मिल सकती बिकॉज आप स्टार्ट ही यहां से करो पहले सीढ़ी स्टार्टिंग पहली स्टेप तो रख लो डायरेक्ट ऊपर पहुंचने के चक्कर में फिर कहीं गड़बड़ी ना हो जाए ठीक है सो विद दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से ट्राई टू ग्राप ट्राई टू ग्रास्प ठीक है so whatever i have been trying to tell you and apart from that if you guys have not uh, joined my channel of this is my trading secrets channel and in this i give keep giving uh, many updates and everything so if you guys have not joined it i would request you to please join it it will be a great learning experience for all of you that i make sure of it and uh, i am sure you will uh, you will get something out of it from this channel that is uh, that is my this uh, thing confirmation from my side okay so with this if you have really liked uh, my content and if you uh, if you think that yes i am a genuine trader so please support me by liking sharing and subscribing to my channel and uh, that's it from my side thank you very much and uh, have a good day happy trading